तो मुझे लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं जितना मैंने क्रिकेट खेला है लाइफ में, बट मैं कभी कभी सचिन तेंदुलकर सर का विकेट लेके आ जाता हूँ। अब ये नहीं होता तो वो नहीं होता, कैमरा नहीं होता तो तुम अभी इंटरव्यू कैसा लेते, समझ। साइड साइड में मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, जैसे म्यूजिक बना लेता हूँ, व्लॉग कभी कभी। क्या अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तुम वायरल नहीं हुए होते, ऐसा नहीं है वो। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, नई टीम से शुरुआत हो रही है आपकी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ECL एक पहली बार आ रहा है, अपनी टीम के बारे में एंड क्रिकेट के प्रेम के बारे में थोड़ा बताइए। देखो क्रिकेट लव के बारे में जितना कोई भी इंडियन बच्चा अगर क्रिकेट के बारे में बात करता है तो उसको पता है कि उसके लिए क्रिकेट क्या है। सब ने क्रिकेट देखा है, खेला है, क्रिकेटर्स पसंद है, हमने बहुत इंस्पायर हुए, सबको देखा है बड़े होते हुए, एंड खेलने का भी बहुत शौक है, खेला भी है। और कहीं ना कहीं कहते ना कि नहीं, ऐसा लगने लगा था कि भाई नहीं क्रिकेट तो नहीं हो पाएगा, तो टाइम वेस्ट लगा एक टाइम में, बट अभी एक्साइटमेंट भी है इस तरह खेलने मिलने वाला है क्रिकेट। और जिस तरह का ये ECL है, जिस तरह के कैप्टन्स है, जिस तरह का प्रमोशन प्रोग्रामिंग होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए और बस लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सोशल मीडिया को श्रेय देंगे, क्योंकि हम लोग जैसे बाकी लोग पहले जो फेमस होते थे कोई मूवी से होता था ये वो, तब सोशल मीडिया नहीं था, एक अलग माध्यम होता था। जब सोशल मीडिया जब से है और एज अ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आर्ट फॉर्म दिखाने के लिए आपको मिले, तब ऑडियंस ने भी कंज्यूम करना शुरू हुआ। पहले पता था कि हम सिर्फ थिएटर में आते थे या घर पर टीवी देखते थे, ये दो ही माध्यम होते थे, मीडियम ही ये दो थे एंटरटेनमेंट के। फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आया, फ़ोन में हैंडी एंटरटेनमेंट आने लगा, इसी तरह वो ग्रो होते लगा और इसी तरह ग्रो होता है। अब ये नहीं होता तो वो नहीं होता, कैमरा नहीं होता तो तुम अभी इंटरव्यू कैसा लेते, समझ रहे हो। क्या अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तुम वायरल नहीं हुए होते, ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें ग्रो है, वो बोलते हैं ना प्रकृति का नियम, तो काइंड ऑफ वैसे भी चलता है साइंस में। एंड रही बात छाप हटाने की, स्टैंड अप कॉमेडियन भी जो होता है वो क्रिएट ही करता है कुछ, तो क्रिएटर आई थिंक यस यस डेफिनेटली, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक क्रिएट करना ही होता है। और रही बात स्टैंड अप कॉमेडियन की, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ ये सब जानते हैं, जैसे आप जानते हो कि यार आप हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन, तो साइड साइड में मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे म्यूज़िक बना लेता हूँ, व्लॉग कभी कभी बना लेता हूँ, कभी कभी सचिन तेंदुलकर सर का विकेट लेके आ जाता हूँ, तो ये मैं साइड वाइड में ये सब चीज़ें करता हूँ, विच इज़ हेल्पिंग मी इन एवरीथिंग, कि मुझे और ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिल रहा है और इस तरह क्रिकेट देखने का खेलने का मौका अगर मिले तो अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन वाली छाप थोड़े टाइम के लिए अगर लोग हटा दे तो बेटर होगा। क्योंकि अगर मैं फील्ड पे हूँ और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ क्रिकेटर बहुत सीरियसली देखें उस वक्त के लिए, फिर तो अपन जब माइक हाथ में आएगा तो कर देंगे एक दो जोक। मैम काम होता है जो कि अभी मैं ऐसे काम ये करने वाला हूँ, और मैं जब भी कोई काम लेता हूँ तो बहुत शिद्दत से करता हूँ। और रही बात टाइम निकालने की, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मुझे लगता है यार बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं जितना मैंने क्रिकेट खेला है लाइफ में, बट मैं डेफिनेटली वार्म अप करूँगा मैच स्टार्ट होने से पहले, दो चार दिन वार्म अप ज़रूर करूँगा ताकि बहुत बुरी तरह हार सके लोग, हारेंगे तो कन्फर्म है। मुनव्वर इस बार की फिटनेस पे ध्यान, देखो मेरे हिसाब से योगा डे आ रहा है, वर्कआउट करना चाहिए करो, लेकिन खाने पीने का डाइट मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा जिंदगी में, खाया पिया नहीं तो क्या किया भाई, खाओ पियो चाहिए तो वर्कआउट एक्स्ट्रा कर लो, बट खाओ पियो सब कुछ। इस बार की ईद काफ़ी स्पेशल थी आपके लिए, डेफिनेटली भाई बताना चाहोगे? ईद हमेशा स्पेशल होती है, ईद एक दिन ही ऐसा है जो स्पेशल होता है, सो मेरी ईद हमेशा स्पेशल होती है।
गौरव तनेजा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो क्रिकेट भी बहुत खेलते हैं, वो तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उनका नाम होगा। बाकी मेरे हिसाब से अभी तक जो कैप्टन्स हैं, आई मीन बहुत ज़बरदस्त कैप्टन्स हैं, मतलब आप अगर इन सबको लेकर आ गए हो ECL बनाने के लिए, तो डेफिनेटली जो मेकर्स हैं उनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। और आई थिंक जब भी ECL लोगों के ऑडियंस के लिए जब भी नाम आएगा, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट दिमाग में पहला आएगा कि भाई बहुत मज़ा आया था, देखा था, मज़ा था। हाँ कुछ नहीं, काम करना है, क्रिकेट खेलेंगे, बढ़िया से एंटरटेन करेंगे लोगों को, उसका काम है लोगों को एंटरटेन करना, मेरा भी काम लोगों को एंटरटेन करना है। हम दो ऑफ कोर्स यार रोस्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो हम दोनों अपना काम कर रहे हैं और हम दोनों क्रिकेट भी खेलेंगे, एक्साइटेड है, साथ में खेलेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे और जीत के जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू भाई।